भी नहीं हुआ कि सभी फर्स्ट वोटर्स एक जैसे कपड़े पहनने वालों से बच जा रहे हैं। उसका कारण जानने के लिए हमें जरा शुरू से इसे देखना पड़ेगा। इस दुनिया में सबकी पसंदीदा चीज खाना, सबको नई नई चीजों को खाने की इच्छा होती है। इस सपने को कुछ लोग साकार कर पाते हैं, लेकिन कुछ लोगों के लिए ये नामुमकिन होता है। इस वीडियो को देखें तो ये बच्चे अपने पैसों को जोड़कर एक छोटा पिज्जा खाने के लिए इस बड़े रेस्टोरेंट में गए हैं, लेकिन उनके पहने हुए कपड़ों को देखकर उन्हें वहां से बाहर निकाला गया। मामूली तौर पर एक तरफ जहां अमीर लोग बड़े फाइव स्टार रेस्टोरेंट में जाते हैं, वहां दूसरी तरफ गरीब लोग छोटे रेस्टोरेंट में जाते हैं। यहां ये प्लेट 3,000 रुपए तो वहां ये प्लेट 30 रुपए में। फर्क तो बहुत है, ये मैं मानता हूँ, लेकिन हम सब मनुष्य एक समान तो हमारे अधिकार एक समान। ये बात जानने के लिए मैंने एक किसान को काम पर रख लिया। ये किसान है जो फाइव स्टार होटल पर जाकर ये पूछने वाले हैं कि मुझे प्यास लगी है, पानी दे दे। इस सवाल का उन्हें क्या जवाब मिला, आइए देखते हैं। उनके कपड़े तो ठीक ठाक है, अंदर जाने के लिए बुरे नहीं है। दूसरे होटल जा जाकर बात की। यहाँ एक साधारण आदमी को फाइव स्टार होटल में जाना कभी भी वर्जित ना हो, इसके लिए हमारा संदेश सबको जोर से सुनाई और दिखाई देना चाहिए। उसके लिए यकीनन एक साधारण फाइव स्टार होटल नहीं चलेगा, यकीनन बड़ा और स्पेशल होना चाहिए। मैं ढूंढता रहा, दिन गुजरते रहे, लेकिन मेरी इस खोज के दौरान मैंने एक बड़े ऐतिहासिक फाइव स्टार होटल को देखा और उसका नाम था फलकनामा पैलेस। यहाँ पहले से अपॉइंटमेंट के बिना कोई अंदर तक नहीं जा सकता, चाहे जितने भी पैसे हो उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। बुकिंग ना होने की वजह से मुझे भी अंदर आने नहीं दिया, लेकिन मैंने भी इधर उधर फोन करके दाखिला पा लिया। इसके बाद मेरी सोच को जान ली। हैदराबाद शहर के 2000 फीट के ऊपर इस पैलेस को देखा तो बाकी सारे फाइव स्टार होटल हमसे कहीं दूर नीचे दिख रहे थे। दुनिया के सबसे बड़े 100 फाइव स्टार होटल्स में से ये भी एक है। इतने दिन से जो हम ढूंढ रहे थे वो यही जगह है, लेकिन यहाँ पर रूल्स बहुत है। तो मैंने इस पैलेस के बारे में जानने के लिए वहाँ पर एक्सपर्ट से चुपके से मिलने लगा। हाँ, मुझे भी आपसे मिलकर बहुत खुशी हुई। आप मुझे बताइए मैं आपकी कैसी मदद कर सकता हूँ। फलकनामा पैलेस पर एक वीडियो बनाने की इच्छा बताकर पैलेस के बारे में वो जो जानते हैं उनसे बताने की गुजारिश की। एक जमाने में दुनिया के सबसे अमीर छठी निजाम का महल था ये। उसके बाद जब इस देश को आज़ादी मिली तब से यहाँ कोई नहीं रहता। फिर एक बड़े निर्वाहन ने उस निज़ाम से इस महल को 30 साल के लीज पर लिया। हजारों करोड़ रुपए खर्चा करके इस फाइव स्टार होटल को बनाया। इस जगह में हर कदम पर आपको सैकड़ों बरसों की ऐतिहासिक कहानी मिलेगी, और इसीलिए साधारण फाइव स्टार होटल्स के मुकाबले यहाँ सभी चीजें 10 गुना महंगी हैं। हमारे संदेश को इस जगह का इतिहास ताकत देगा। ऐसे ही बातचीत में मैंने उनसे पूछा कि हम कहाँ पर एक फ्री का फाइव स्टार होटल खोल सकते हैं। तब हम पहुँचे 101 डाइनिंग हॉल पर। 19वीं शताब्दी के इस अद्भुत महल में 101 मेहमानों को बिठाकर भोजन कराने का दुनिया में ये सबसे बड़ा डाइनिंग हॉल है। इस डाइनिंग हॉल की विशेषता ये है कि किसी भी कोने से बात करने पर हर जगह सुनाई देती है। यहाँ सोने और चांदी के बर्तनों में ही खाना परोसा जाता है। इस डाइनिंग टेबल पर बहुत बड़े बड़े लोगों ने आके खाना खाया है। इस ऐतिहासिक टेबल पर खाना खाने के लिए एक मेहमान को 30,000 रुपए खर्च करना पड़ता है। निजाम के लिए उस जमाने में जैसा खाना बनाते थे वैसे ही अभी भी बनाते हैं। भारत के सबसे पहले राष्ट्रपति से लेकर आज के प्रधानमंत्री तक जैसे बड़े लोगों ने यहाँ पर खाना खाया है। क्योंकि एक आम आदमी को यहाँ बुक करके उस कुर्सी पर बैठकर खाना खाने के लिए खर्चा करना सामान्य बात नहीं है। लेकिन मैं नामुमकिन को मुमकिन। हाँ, हर कर्मचारी को पता है कि हम YouTube वीडियोस बनाते हैं, उनमें से कई हमारे सब्सक्राइबर्स भी हैं, इसलिए मैंने खुद ये अनुरोध किया। हम चाहते हैं कि आप अपने अनुरोध को एक ईमेल में लिखकर भेजें। मेल भेजने के 2 दिन बाद हम आपको जवाब देंगे। उनके कहने पर मैंने उन्हें ईमेल भेज दिया कि हमें इस दिन लगाकर हमें यहाँ ले आना है। हमारे पास बहुत टाइम नहीं है, बस 2 दिन में पैलेस से कंफर्मेशन आ जाएगा। लेकिन इतनी बड़ी मुंबई में हम इन 3 बच्चों को कैसे ढूंढेंगे? जितना भी मुश्किल क्यों ना हो, उन बच्चों को डाइनिंग टेबल पर हमें बिठाना है। हमने उन बच्चों को मुंबई में ढूंढना शुरू किया। मुंबई में हर रूट में जाने वाले टैक्सी ड्राइवर्स भी हमारे मिशन में जुट गए, और उधर दूसरी ओर समाज में ऐसा इस ईमेल में कंफर्म करते हैं। उसके ईमेल में भेजे इस कांटेक्ट पर साइन कीजिए, लेकिन इस जगह में सोशल मीडिया पर डालने वाले का परमिशन नहीं है। पर इस दुनिया को मुझे दिखाकर ही रहना है। रिकॉर्ड करने के अलावा और कोई चारा नहीं था। मुझे यकीन है कि उस महल के राजा को भी ये देखकर खुशी होगी। पैलेस में लंच की बुकिंग हो गई। मेरी तरफ से होने वाली तैयारियां शुरू हो गई। पैलेस में होने वाले शाही लंच के लिए सिर्फ 48 घंटे ही बाकी थे। असली दबाव तो अब शुरू हुआ।
बच्चे मुंबई के किस इलाके में हैं इसका साफ संकेत हमारे पास है, लेकिन किसी दूसरे प्रदेश में मैं अपनी घड़ी को भी रूम में ढूंढ कर आ गया। वाकई इतना प्रेशर। ठीक है, देखते हैं क्या होता है। मुंबई जाने से पहले मुझसे मिलने बहुत दूर से आने वाले कुछ सब्सक्राइबर से मैं बात कर रहा था एयरपोर्ट के पास। उनके साथ बात करते समय मैं उन बच्चों के बारे में ही सोच रहा था। वही सवाल मेरे मन में दौड़ रहा है। मुंबई के लिए हम रवाना हुए, अब बस 36 घंटे बचे हैं। इतने कम समय में उन्हें कैसे मनाऊं ये मैं समझ नहीं पा। पता चला कि उन तीन बच्चों में से एक लड़की पास नहीं है, उससे मिलने के लिए मैं उत्साहित। फिर उन बच्चों से मैं मिला, उनके परिवार से उस दिन क्या हुआ मैंने पूछा। बच्चे लोग पैसे बचा के पिज्जा खाने के लिए पिज्जा का दुकान के अंदर गया, इनके कपड़ों के देखकर वो लोग बाहर भेज दिया। हम तो बोलने से को यार बहुत थी, लेकिन बच्चों को बाहर भेजना क्या न्याय था। सभी बच्चों की तरह मेरे बच्चे भी स्कूल जा रहे हैं और पढ़ रहा है जी, तो हमारा बच्चों को वो लोग क्यों बाहर भेज दिया। इसलिए कि हम गरीब है ना, हाँ हम भी आप जैसे आदमी है ना, हमको क्यों ऐसे नीचे करके देख रहा है। गरीब लोगों का ऐसे मत देखिए जी। वो सब सुनने के बाद